हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन के बारे में, जिसका इस्तेमाल बच्चों में होने वाले बुखार, बदन दर्द, सर दर्द या और भी कई तरह की बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन के कंपोजिशन, यूजेस, डोजिंग शेड्यूल और इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन है जो कि इप्का लेबोरेटरीज की एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि 60 ml के पैक में आती है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन के मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें पैरासीटामॉल 250 mg का यूज किया गया है, जो कि एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ग्रुप की मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन मेफानिमिक एसिड है, जो कि एक NSAID यानी कि नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप की मेडिसिन है। चलिए बात इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और जान लेते हैं कि ये जो पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन है इसका इस्तेमाल किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर आता है बुखार और दर्द का, यानी कि अगर किसी बच्चे को बुखार हो और अगर बुखार के साथ साथ बदन में दर्द हो, तो इस बुखार और दर्द वाली प्रॉब्लम को जो है रिलीफ करने के लिए इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन या इसमें मौजूद पैरासीटामॉल और मेफानिमिक एसिड के कॉम्बिनेशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ अगर किसी बच्चे को सिर में दर्द हो रहा हो, कान में दर्द हो, दांतों में तेज या हल्का दर्द हो रहा हो, तो इस तरह के दर्द वाली कंडीशन को भी कम करने के लिए इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को हाथ, पैर या बॉडी में कहीं पर कोई चोट लग गई हो और उस जगह पर दर्द और साथ में सूजन हो, तो इस दर्द और सूजन को भी कम करने के लिए इस मेडिसिन का जो है डॉक्टर के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें मौजूद मेफानिमिक एसिड एक नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को भी कम करने का काम करता है। फ्रेंड्स, बहुत सी कंडीशन में ऑपरेशन या सर्जरी होने के बाद जो दर्द होता है, जिसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहा जाता है, उसे भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन के कंपोजिशन और यूजेज के बाद बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के डोजिंग शेड्यूल के बारे में, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखें कि ये जो पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन है ये एक शेड्यूल एच कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल जो है हमें हमेशा प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के बाद और डोजिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। जैसे कि इस मेडिसिन की कुछ फिक्स रिकमेंडेड डोज है, जिसके बारे में एक चार्ट के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि आपके बच्चे की एज जो है 5 साल से लेकर 7 साल के बीच है और उसका वजन जो है 20 से लेकर 25 केजी के नियर अबाउट है, तो उसे इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन की 5 से 6 ml की डोज को 2 डिवाइडेड डोज में सुबह और रात के टाइम दिया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी बच्चे की एज जो है 7 साल से लेकर 10 साल के बीच हो और उसका वजन 25 से 40 केजी के लगभग हो, तो उसे इस पेसीमाल की 5 ml की डोज को 5 से 6 घंटे के अंतराल पर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा 11 से 12 साल का हो और उसका वजन जो है 40 केजी से लेकर 45 केजी के आसपास हो, तो उस बच्चे को इस मेडिसिन की 10 ml की क्वांटिटी को दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो है दिया जा सकता है। गाइस, डोजिंग शेड्यूल के बाद अब अगर बात करें इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की, तो देखिए जनरली इस मेडिसिन से कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी को पैरासीटामॉल, मेफानिमिक एसिड या इनके कॉम्बिनेशन से किसी तरह की कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है, या अगर किसी ने डोजिंग शेड्यूल से ज़्यादा मात्रा में दवा का इस्तेमाल कर लिया है, तो इस कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट जो है हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लग सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द होना, मुंह के अंदर अल्सर यानी कि छाले हो सकते हैं, ज़्यादा गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, सीने और गले में जलन जैसी दिक्कत हो सकती है, नींद आना और त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ना यानी कि स्किन रैशेस, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट जो है हो सकते हैं। इसलिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है बिना प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के कभी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो उन दवाओं को यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कुछ सावधानियां होती हैं, जिनके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि ये जो पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन है इसे उन बच्चों को कभी ना दें जिन्हें पैरासीटामॉल या मेफानिमिक एसिड से किसी तरह की कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को लीवर या किडनी संबंधित कोई बीमारी है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी ना करें। तो फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था इस पेसीमाल एमएफ सस्पेंशन के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।